स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज वेव मोशन ट्रांसवर्स वेव एंड द लॉन्गिट्यूडनल वेव क्लियर है तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेव मोशन वेव मोशन या फिर सिंपली कहें कि वेव क्या है देखिए इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सपोज वी थ्रो ए स्टोन इन द पोंड क्लियर है बेटा एक तालाब के अंदर हमने एक पत्थर गिराया मान लीजिए इस पॉइंट पर हमने एक पत्थर गिराया तो इसके चारों तरफ क्या होगा कुछ इस तरीके से सर्कल्स बन जाएंगे क्लियर है ये सर्कल्स एक्चुअली क्या है बेटा वाटर की वेव्स हैं ये क्या है ये वेव्स फॉर्म्ड इन द वाटर तो एक्चुअली होता क्या जैसे हमने एक स्टोन को वाटर के अंदर गिराया तो इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन हो जाती है क्लियर है वो सर्कुलर फॉर्म में होगी हर डायरेक्शन में होगी वो वाइब्रेशन तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में होगी तो ये सर्कुलर फॉर्म में ये पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं पीरियोडिकली ओसिलेट करते हैं या पीरियोडिकली वाइब्रेशन बोल दे सकते हैं इनमें तो ये अपने से जो नेक्स्ट पार्टिकल है वहां पर अपनी मतलब देखिए जैसे हमने स्टोन को गिराया पार्टिकल में डिस्टर्बेंस आई डिस्टर्बेंस वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और उन्होंने कंप्लीट एक सर्कल बनाया अब ये डिस्टर्बेंस आगे नेक्स्ट वाले पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाएगी यहां से फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट और कंप्लीट ऐसे ही ये डिस्टर्बेंस यहां से यहां तक पहुंच चुकी है और फिर ऐसे ही ये डिस्टर्बेंस मूव करती चली जाएगी मतलब पार्टिकल्स में पीरियोडिक वाइब्रेशन हुई यानी कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई और यही डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर होती चली गई तो इसी जो डिस्टरबेंस के आगे ट्रांसफर आगे मूवमेंट हो रही है ये डिस्टरबेंस की यहां ये डिस्टर्बेंस ही तो थी ये सर्कल हुआ और ये डिस्टरबेंस अब आगे चली गई फिर उससे आगे ट्रांसफर हो चुकी है इसी ट्रांसफर को इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं वेव वेव मोशन मोशन क्या बोलते हैं बेटा सो इट इज द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स थ्रो ए मीडियम एक तरह की डिस्टर्बेंस है जो कि मीडियम में ट्रेवल कर रही है ड्यू टू रिपीटेड पीरियोडिक मोशन ऑफ द पार्टिकल्स क्लियर है पार्टिकल के रिपीटेड पीरियोडिक मोशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है उसी को हम बोलते हैं वेव मोशन क्लियर है बेटा द डिस्टर्बेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मीन्स पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट के बिना ही यहां पर क्या हो रहा है जो डिस्टर्बेंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल फिर उससे नेक्स्ट और नेक्स्ट पर ट्रांसफर होती रहती है सो वेव मोशन क्या कर रहा है यहां पर एक्चुअली में एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक वेव मोशन ट्रांसफर द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देखिए यहां पर जो डिस्टरबेंस ट्रांसफर हो रही है डिस्टरबेंस में क्या ट्रांसफर हुआ एक्चुअली में एनर्जी ट्रांसफर हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्लियर है बेटा अच्छा तो नेक्स्ट आया है विलोसिटी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ द मीडियम

वेव विज डिफरेंट फॉर द फ्रॉम द पार्टिकल विलोस्टी एक्चुअली पार्टिकल विलोस्टी से अलग होती है wave velocity. In a given medium, wave velocity सेम, सेम होगी लेकिन जो पार्टिकल्स की विलोस्टी है वो मैक्सिमम होती है मेन पोजिशन पर जैसे हमने सिंपल पेंडुलम केस में पढ़ा था और मिनिमम होती है अपनी एक्सट्रीम पोजिशन पर ठीक है ना अब जैसे वो कर रहा था कुछ इस तरीके से हमारा पेंडुलम यहां पर आकर के वेरी कर रही थी ठीक है लेकिन पूरी अगर वेव की वेलोसिटी देखा जाए तो वो सेम रहेगी क्लियर है बेटा आई <coughs> होप आपको समझ में आया होगा वेव मोशन तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है तो देखिए बेटा ट्रांसवर्स वेव क्या है मान लीजिए जैसे यहां पर इस वेव को आप कंसीडर कीजिए एक हमारी ट्रांसवर्स वेव है यहां पर एक्चुअली क्या है पार्टिकल में वाइब्रेशन कुछ इस तरीके से होती है अप एंड डाउन पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन जो वेव है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है ठीक है देखिए हमने मान लीजिए यहां पर एक रस्सी थी एक स्ट्रिंग थी उसमें ऐसे कुछ मूवमेंट करवाई अप एंड डाउन तो क्या होगा उसके अंदर एक वाइब्रेशन हो गया ऐसे ऊपर फिर ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्लियर तो वाइब्रेशन ऐसे हो रही है अप एंड डाउन लेकिन उसी वाइब्रेशन के साथ साथ वेव जो है आगे बढ़ती जा रही है तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस वेव को बोलेंगे बेटा ट्रांसवर्स वेव क्लियर है <coughs> समझ में आया बेटा आपको अच्छा तो अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं इसके आगे करते हैं इसी टॉपिक को बेटा देखिए कंसीडर कीजिए आप यहां पर हमारे पास एक रोप है ए बी क्लियर है इस रोप में हमने इसमें ऊपर की तरफ जस्ट एक बार जर्क दिया मतलब इसको थोड़ा सा इसके एक पोर्शन को ऊपर की तरफ मूव करवा दिया तो इसके अंदर एक कुछ इस तरीके से मूवमेंट आएगी सिर्फ एक बार हमने इसको ऐसे किया ऊपर की तरफ रस्सी को यहाँ से तो इसके अंदर एक ऊपर की तरफ जर्क किया हमने तो क्या हुआ ये धीरे धीरे ये मूवमेंट जो इसके अंदर आई ये आगे बढ़ती चली जाएगी इस डिस्टर्बेंस का नाम है पल्स ये सिंगल है और नॉन रिपीटेड है रिपीट नहीं हो रही बस यही मूवमेंट जो डिस्टरबेंस है धीरे धीरे आगे यहां तक मूव करती चली जाएगी पहले वन फिर ऐसे आगे बढ़ी फिर और आगे बढ़ी और आगे बढ़ती चली गई तो ये डिस्टरबेंस हमने क्या किया एक्चुअली रोप थी हमारी ए बी इसको हमने यहां से थोड़ा सा इसके ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट दी ऐसे अपवर्ड मूवमेंट दी क्लियर है तो ये मूवमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है क्लियर है तो सिंगल डिस्टर्बेंस है नॉन रिपीटेड है रिपीट नहीं हो रही बार बार तो इसको बोला जाता है पल्स क्या बोलेंगे बेटा इसको हम पल्स और जब हम अप एंड डाउन रोप में कई बार हमने जर्क प्रोड्यूस किया मूवमेंट करवाई अप डाउन अप डाउन अप डाउन तो हमारे पास कुछ इस तरीके की वेव बनेगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव और ये सिंगल ये मूवमेंट थी इसको बोला गया था पल्स क्लियर है बेटा समझ में आया अच्छा ट्रांसवर्स वेव में दो टाइप का रीजन क्रिएट होता है एक तो क्रेस्ट और एक ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ ऊपर वाला जो पोर्शन है बेटा उसको बोलते हैं क्रेस्ट नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ क्लियर देखिए जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं एलिवेशन में ऊपर की ओर जा रहे हैं यानी कि एलिवेशन में जो हाईएस्ट पॉइंट आया उसको बोला जाता है क्रेस्ट जब हम नीचे की तरफ आते हैं द लोवेस्ट पॉइंट इन द डिप्रेशन डिप्रेशन यानी नीचे ही और आना डिप्रेशन में जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज नोन एज अ ट्रफ एंड द हाईएस्ट पॉइंट इन द एलिवेशन इज नोन एज क्रेस्ट क्लियर है तो ये डेफिनेशन होगी बेटा क्रेस्ट एंड ट्रफ तो अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं यहां से लेकर के ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं क्लियर है कैसे एक पल्स जनरेट हुई थी और फिर कैसे हमारी एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुई और जो ट्रांसवर्स वेव में दो टाइप का रीजन आया दैट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ अब क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है उनकी डेफिनेशन क्रेस्ट को सी से डिनोट करते हैं ट्रफ को टी से हाइएस्ट पॉइंट इन द रीजन ऑफ एलिवेशन जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट था दैट इज नोन एज क्रेस्ट एंड द लोवेस्ट पॉइंट है जो इन द रीजन ऑफ डिप्रेशन मीडियम के दैट इज नोन एज ट्रफ क्लियर है बेटा अच्छा फिर है हमारे पास वेवलेंथ जो दो लगातार दो ट्रफ या दो लगातार क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ क्लियर है बेटा समझ में आया तो नेक्स्ट है अपने पास लोंगिट्यूडनल वेव क्या है बेटा नेक्स्ट लोंगिट्यूडनल वेव अब लोंगिट्यूडनल वेव क्या है अगर वाइब्रेशन की डायरेक्शन मान लीजिए पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भी हमारी इसी डायरेक्शन में चल रही है मतलब वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में है मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है तो वेव को बोलेंगे लोंगिट्यूडनल वेव क्लियर इफ द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन Of of मतलब पार्टिकल इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव मतलब क्लियर है और जब लोंगिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है तो दो टाइप के रीजन क्रिएट हो जाते हैं मीडियम में एक तो कंप्रेसन और एक रेयर फैक्शन क्लियर है तो चलिए अब देखते हैं कैसे देखिए सपोज हमारे पास एक स्प्रिंग है क्लियर है हमने स्प्रिंग को लगातार पुश पुल पुश पुल ऐसे किया ये स्प्रिंग है यहां से इसका एक एंड फिक्स है और दूसरे एंड से हमने क्या किया इसको पुश किया थोड़ा सा पुल किया खींचा फिर पुश किया पुल पुश पुल पुश लगातार ऐसे कर रहे हैं तो उसके अंदर दो टाइप के रीजन क्रिएट हो जाते हैं एक जगह से तो ऐसा रीजन होगा एक जगह इस टाइप का तो जहां पर पार्टिकल ज्यादा क्लोज क्लोज है उसको तो बोलेंगे कंप्रेशन जहां पर पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं उसको बोलेंगे रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन कंप्रेशन रेयर फैक्शन क्लियर है बेटा तो देखिए जरा डेफिनेशन आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं कंप्रेशन और रेयर फैक्शन कंप्रेशन में पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज थे क्लियर है या यूं कहें यहां डेंसिटी हाई थी और प्रेशर भी हाई था फिर है रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन में एक्चुअली क्या है पार्टिकल मीडियम के एक दूसरे से दूर दूर है लो डेंसिटी है और लो प्रेशर है क्लियर नेक्स्ट वेवलेंथ देखिए जरा वेवलेंथ कैसे बताएंगे हम यहां पर एक कंप्रेशन ये रहा एक ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज वेवलेंथ या दो रेयर फैक्शन के बीच का डिस्टेंस उसको भी हम क्या बोल सकते हैं वेवलेंथ क्लियर है बेटा आई होप आपको समझ में आया होगा अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे